देखिए, अगर आपके पास इस तरीके का कोई भी सैमसंग का कीपैड वाला फ़ोन है, बटन वाला फ़ोन है, और आप इसमें अलार्म्स को बंद करना चाहते हैं या चालू करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर मेन्यू के बटन पर चले जाना है। ये मेन्यू पर, यहाँ पर मेन्यू। अब ये देखिए, आप यहाँ पर देख पाएंगे वॉच बनी हुई है, घड़ी। ओके कर देना है इस पर। देखिए, जैसे यहाँ पर दो एक्टिव है, 5:30 और 3:30 का, और 3 ऑफ है। अब अगर मुझे इसे ऑफ करना है पहले वाले को, तो मैं सेलेक्ट करूँगा इसे और ये वाले बटन से यहाँ पर ऑफ पे क्लिक करके इसे सेव कर दिया मैंने। देखिए, यहाँ पर भी रिजेक्ट होके आ गया, ये ऑफ हो चुका है। अब इसे ही ऑन करना है, तो यहाँ से, यहाँ पे आप ऐसा यहाँ से करके ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसे यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो देखिए, ये वापस से ऑन हो चुका है। तो आप इस तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हैं किसी भी अलार्म को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।